जल्दी से बुलाओ डॉक्टर। अच्छा जल्दी आ जाइए। दोनों पापा का दोनों जल्दी आ जाइए। आप जल्दी से इसलिए पैसा लेंगे ना। अब क्या हो गया? देखो पापा को कुछ हो गया तो डॉक्टर रुक जाओ। पता नहीं किसी ने मार दिया पापा। ये ना भी शांत पापा। मैंने भी पुलिस को फोन किया है। हां चल मेरे साथ ही पुलिस को फोन किया। नहीं जा सकते मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। इस तरह से आप सब तक जल्दी आइए। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हां हां वही वही जैसे पहले आप वही वही आइए। क्या हो गया पापा को मेरे? बढ़िया गया सर थोड़ा सा क्या हो गया कोई सामान जो भी बिखरा पड़ा है सब ऐसे रहने दो। ले हो? हाँ ले लिए, ले लिए। और लेना है? नहीं नहीं जरूरत। हवलदार जी सर इनका पोस्टमार्टम करवाओ जी। जो जैसा होता है रिपोर्ट हमको आके बताओ। और हमको देखो यार हम तो भूले गए इस मर्डर के चक्कर में। हमको कमिश्नर साहब से मिलना है। बच्चों वाले हो गए। हाँ सर आप जाइए ना सर हम सब देख लेंगे सर। और आप अच्छे से छापना पूरा दिखना चाहिए। प्रमोशन वाली बात है। चलो हम चलते हैं। हाँ तुम ये इंस्पेक्टर पूरा देख लेंगे। टेंशन मत लो हम छानबीन कर रहे हैं। ओके सर ओके सर। एम्बुलेंस को हेलो एम्बुलेंस। हाँ आप जल्दी से आइए मर्डर हो गया है। लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करो। जल्दी जल्दी 5 मिनट में आप आइए मैं तुरंत भेज रहा हूँ। हाँ मैंने सेंड कर दिया आपने इस लोकेशन पे आइए। जी 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 ओके। घर में इतना बड़ा क्राइम हो गया आप लोगों को पता नहीं चलता है। रोना रोना स्टार्ट कर दिए। अब किसी के घर के माँ बाप मर जाए तो क्या कोई रोएगा भी नहीं? अरे सर कम से कम अपने घर पे रोइए ना। घर पे ही तो है हम लोग। शांत रहिए। अरे अच्छा खड़ा रहिए। अपने घर पे कैसे खड़ा रहूं? आप अभी प्रशासन के सामने हैं अपने घर में नहीं है। फिर से रात। हाँ हाँ और क्या हुआ सर? सर बॉडी को तुमने भेज दिया। सर बॉडी भेज दिया तुमने? जी सर ये लोगों ने मेरा दिमाग खा गया। सर क्या हुआ? अरे सही से खड़ा नहीं रहते रोना धोना फलना। सर एक घंटे से एक जगह पे खड़ा करके रखे। अरे आप शांत रहिए। शांत रहिए। काहे गुस्सा रहे हो? काहे गुस्सा रहे हो? हम बात करते हैं ना। जी जी जी। तो आप कितनी गहरी नींद में सोए थे? आपको पता ही नहीं चला? नींद का दवा खा के सोए थे कुछ पता नहीं चला मुझे। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती सर इसलिए नींद की दवा लेती हैं। इनके पति का मर्डर हो जाता है और ये सोए रहते हैं नींद। सर अब कोई दवा ले ले तो फिर? अब कितने बजे गए थे सोने के लिए? करीब 11:30। और आपके बेटे बहू का रूम कितना दूर है आपके बेडरूम से? बस थोड़े ही दूर। आपको भी नहीं पता चला कुछ? सर हम लोग तो खाना खा के मम्मी पापा जब सोने चले गए उसके बाद हम लोग अपने रूम में चले गए। हाँ। और लॉक कर लिया सर अंदर से। आप तो जानते हैं। और किसी पे तुम लोगों को शक है? पापा तो घर पे ही रहते थे। उनसे किसी से कहा सुनी? किसी से कहा सुनी नहीं। पापा बहुत अच्छे थे। किसी से जो अच्छे होते उनका मर्डर क्यों होता है? नथुराम जी सर पानी पिला दो यार। वो फिल्टर वाला पानी पिला दो। धन्यवाद।
मुझे तो तुम तीनों पे ही शक हो रहा है। क्या मैं क्यों मानूंगी मैं अपने पति को? बाहर से तो दरवाजा खुला नहीं है, ये कोई घर वाला है, या तो आप हो सकती हैं। मैं क्यों मानूंगी अपने पति को? आपके आपके पति से कैसे रिश्ते थे? पति पत्नी का रिश्ता था वो तो हमको भी पता है, आप बीमार रहती है ज्यादा, हॉस्पिटल यहाँ के चक्कर काटते रहते हैं, कि मेरे पति का कहीं अवैध संबंध है? नहीं, आपने उनका गला काट दिया होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पति ऐसा थे ही नहीं। आपके पति नहीं थे, आप तो थी, आपको तो शक था जी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी माया ऐसा नहीं कर सकती। आ रहा हूँ आपके पास। देखो ना मैं साले क्या बोलते जा रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज, इंस्पेक्टर से बात कर रहे हो आप? ठीक है सर, जो बोलना है बोलो। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं तो बाहर रहता हूँ। बाहर दिल्ली। कब आए आप? पिछले हफ्ते आए। जैसा कि आपने बताया था। जी सर। क्या काम करते हैं सर? हम बिजनेस है सर अपना। ओ अच्छा, तो आपने बिजनेस करने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे होंगे, उन्होंने दिया नहीं होगा, इसी रीजन से आपने मर्डर किया था। किया है ना? मुझे क्या जरूरत है? देखो ना, किया है तूने ही किया है। मुझे क्या जरूरत पैसे की? इतना पैसा अपने पास कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के ऊपर। नहीं, ये मेरे पति है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं सर? आप कानून के साथ बहस मत कीजिए। आप चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। मैं ऐसा क्यों करूँगा अपने बाप के साथ, जबकि मैं खुद पैसा कमाता हूँ इतना, मेरे पास खुद पैसा है, सब तुमका है और मेरा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आपके बीबी के पास मोटिव है? आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैडम, आपके पास मोटिव था आपके ससुर का हत्या करने का। क्या बोल रहे हैं सर? मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं जब उससे बात करता हूँ तुम बोलते हो, जब इससे बात करता हूँ तुम बोलते हो। Okay, ये पति है मेरे, तो बोलेंगे ही ना। मैं इनके साथ सोई थी, तो मैं अगर उठ के जाती तो मेरे पति को पता चल जाता। आपकी सास बीमार रहती है? हाँ, बीमार रहती है। आपका हस्बैंड बाहर रहता है? हाँ। आप अपने ससुर का ख्याल रखती है जी? कहीं आपका आपके ससुर से अवैध संबंध तो नहीं था, कि पति के डर के वजह से पति को पता न चल जाए? इंस्पेक्टर साहब ऐसी नहीं है, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते सर। बहुत प्यार करती है उससे, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। मुझे कोई नहीं रोक सकता कानून को, और आप तुम तीनों मेरे सर की नजर में। उनसे कौन बात करेगा, ये बाहर किसी को ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई खिड़की से आके भी मर्डर कर सकता है। खिड़की तो भाई कोई नहीं थी, मैंने तो जांच किया था, भूत आके मर्डर करके चला गया। आप तीनों में से कोई है हत्यारा, ये मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। पता लगे ना, ऐसे और पता लगा है सर। सबसे बड़ा मोटिव तो आपके पास है मैडम, इतनी हिम्मत नहीं है? हिम्मत है, वो सब पता लग जाएगा। किसके पास हिम्मत है जब आप कोर्ट में जाएंगे? वैसे बता करिए, ठीक है, मेरी बीवी भी आरोपों से गई। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, मेरे इजाजत के बगैर तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जाओगे, और बिना मिले बिना कुछ बताए आप तीनों लोग घर से भी बाहर नहीं निकलोगे। ये कोई तरीका था? देखो मैं साली क्या क्या बोलते जा रहे थे लोग। मामा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पापा के कातिल का पता चल जाएगा। हाँ जी, पता तो चला है। तो ये कातिल
क्यों मदद की तुम्हें? एक मिनट, एक पुलिस वालों के सामने तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। इसे बाप को मारा, मैं इसे छोड़ दूँ। मैं बाप को नहीं मारा, ये कानून की मदद कर रहा है। मैं यार कानून का मदद करता हूँ, आप सब मारते हो। ये क्या है? चोर मैं नहीं, आप क्यों पकड़ते हो? इसको क्यों लेकर आए सर? जानते हो इसको? हाँ जानता हूँ सर, ये अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता है सर। एक नंबर का सर क्या बताऊँ, डर की बात आदमी है, सबके घर में ताकी झाकी करता है। लेकिन आज बंदा यही कानून की मदद कर रहा है, इसके ताका झाकी नहीं, एक इस काम का है सर, आसान कर दिया। एक इस काम का है, इसके पास तो ना कोई काम, एक इस काम आएगा। अब क्या बताएगा तुम? आपका पापा का और बीबी का दोनों का टचल चालू है। क्या बोल रहा तू? मैं ही बोल रहा हूँ भाई, हाथ मत उठाइए। नया खुलासा एक। क्या बात कर रहे हैं सर? मेरी बीवी ऐसी नहीं है ना मेरे पापा ऐसे हैं। इसका कोई भरोसा नहीं सर। अभी आपने क्या बोला था? ये दूसरों घर पे ताका झाकी करता है। हाँ मैंने बोला है ताका झाकी करता है, तभी ना बोला होगा। अरे इसके पास कोई काम नहीं है सर, ऐसे ही बकरा है सिर्फ पैसे हटने के लिए। ऐसे कोई? अरे बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? पैसे के लिए कर रहे हैं ना सब। कितना पैसे है तुम्हारे पास? पुलिस वालों के सामने तुम पैसे दोगे? रिश्वत दोगे उसको? पैसे अपने घर में रखे सर। बताओ। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी ऐसी नहीं है और ना मेरे बाप ऐसे हैं। ये आप तय नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमारा काम है तय करना। अभी पूछताछ जारी है। हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं सर, बताइए आप ही। मुझे एक सुराग मिला है, उसी सुराग से मैं चल रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हत्याकांड का खुलासा जल्द जल्द होगा। ठीक है सर, आपको जो करना है कहिए, लेकिन अगर आपके इल्जामात गलत लगे और जो आप आरोप लगा रहे हैं मेरी बीवी और बाप पर, तो सर इसके लिए मैं कोर्ट तक जा सकता हूँ। कहीं भी जाइए, क्योंकि मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही कानून हूँ। ठीक है, तो जो आपको जो अच्छा लगे वो करिए। चलिए, यहाँ तो खड़े खड़े बात नहीं कर सकता। चलिए अब सर, आपका आपकी पूरी फैमिली के साथ मैं बात करूंगा। हां भाई बिल्कुल, चलिए सारी फैमिली के साथ। चलिए चलिए, आपने बहुत मदद किया, धन्यवाद। नथुराम जी सर, ये हो बैठो। तुम्हें क्या लगता है, इसने अपने पति को मारा होगा? मुझे तो डाउट लगता है सर, कहीं इसका बेटा तो नहीं है कुछ किया। डाउट तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये मारी होगी सर, जैसे ही रो के। लेकिन इसके पास मोटिव था मारने का, ये मार नहीं सकती सर। लेकिन एक बार हम लोग उसका बेटा से पूछे था, पूछना तो सबसे ही है। चलो एक कंधेरे में और तीर चलाते हैं। यस सर। लगा तो सही जी सर। बुलाओ बुलाओ जाए उसको। आपने अपने पति को क्यों मारा? जी सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा। आप अपने पति के बगल में सोई हैं, उनका मर्डर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ये कैसे पॉसिबल है? सर मैं नींद का दवा खा के सोई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला वो कब कब उनके साथ हुई, कब क्या हुआ। मैं ये एक बहाना भी मान सकता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता आप इतनी नींद की दवा क्यों खाती हैं? सर कुछ टेंशन। क्या टेंशन है मैडम? कहीं आपका टेंशन आपकी बहू और आपके हस्बैंड तो नहीं है? जब आपको पता चला कि आपकी बहू का आपके हस्बैंड के साथ अफेयर है तो आपने उनकी हत्या कर दी। अब मैं श्योर 100% ये मर्डर आपने किया है। नहीं सर मैंने नहीं किया, मैं अपने पति को मैं क्यों मारूंगी? आपके पास मोटिव है मारने का? कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चले, और वो भी वो तो आपकी बहू है, आप उस काबिल नहीं थी। सही सही आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, तो मैं सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं सर मैंने अपने पति को नहीं, मेरा वो नहीं ख्याल तो मैं करते थे। अपने पे आ गया ना, शाम मुझे मेरा ख्याल करते थे, मैं अपने पति को नहीं मार सकती। तो गुनाह कबूल कर लीजिए कि आपने मारा है। नहीं सर मैंने नहीं मारा। आप गुनाह कबूल कर लेंगे तो मैं आपकी सजा थोड़ा कम करवा सकता हूँ,
अब कहीं मैं अपने तरीके से निकलवाया तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, इधर से डालेंगे उधर से निकाल देंगे। नहीं सर, मैं अपने पति को नहीं मारा। तो फिर कौन मारा? किसी से मरवाया होगा फिर? नहीं सर, तुमने मारा है? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। तुम बताती हो या मैं अपने तरीके से बताऊं? नहीं सर, मैंने अपने पति को बताओ। नहीं सर, मैं कितनी बार बोला मैंने तुमसे, अपना गुनाह कबूल कर लो। नहीं सर, मैंने नहीं मारा अपने पति को, मैंने नहीं मारा। प्लीज, मैंने नहीं मारा अपने पति को सर। प्लीज, मैंने नहीं मारा। पैर छोड़ो, पहले आप बैठिए यहाँ पे। बोल बोल। जी सर। मारो को पहले। पहले बैठ जाइए। सर प्लीज, बैठिए आप, पहले सामने बैठिए आप। जाइए, आओ ना, इनको लेके जाइए। चलिए आप, चलिए चलिए, दूसरे को लेके आओ। बताए इंस्पेक्टर सर, क्या पूछना है आप? क्या कुछ पता चला आपको? हाँ पता चल गया मुझे। क्या बताइए? क्यों मारा था अपने बाप को? मैंने मारा था। क्यों मारा था तुमने? गुनाह कबूल कर। मैं क्यों मारूंगा? आपको जैसे पता चला आपकी बीवी का संबंध आपके डैड से है तो कोई भी लड़का इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सर आप ऐसी चीज आप मत बोलिए, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है और ना मैंने अपने बाप को मारा है। मेरे पास प्रूफ है। हाँ लाइए सबूत, दिखाइए दिखाइए सबूत। मिल जाएगा। और जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है तब तक आप कोई आरोप मत लगाइए सर। कानून बिना वजह किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। हाँ तो जब आपके पास सबूत हो तब आरोप लगाइए। हवलदार। जी सर। अरे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? हाँ सर, मैं जाकर लाता हूँ, आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ऐसा है? हाँ तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी सर। ठीक है मिस्टर। जी बताइए। भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है आप जा सकते हैं अभी, लेकिन आप अपने बीवी को भेज दीजिए। बिल्कुल भेजता हूँ अभी। देखिए प्लीज इंस्पेक्टर, उस पर गलत नजर मत डालिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गलत नजर? और जो आप करती हैं, आपने गलत नहीं किया है, ये सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हैं, मेरे सामने ढोंग कर रही हैं। क्या किया मैंने? आपको अच्छी तरह से पता है आपने क्या किया है। ये बताइए आपने अपने ससुर को मारा कैसे? जी नहीं, मैं वह किसी को मान नहीं सकती, मैं कैसे बताऊंगी उन्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? आप ही को तो सब मिलने वाला था, अगर नहीं मारती तो क्या मिलता? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं है। मोटिव है आपके पास, आपका आपके ससुर के साथ अफेयर था, आपको लगा मेरे हस्बैंड आ गए हैं उनको पता ना चल जाए, और सबसे पहले आपके सोचा है बुढ़े को मैं खत्म कर दूंगी, उनके जायदाद, सास तो बीमार रहती है और तो एक दिन टपक जाएगी, उनके जमीन जायदाद में तुम्हारा हक। बस तो, बस गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। ये गलत इल्जाम नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, अब तुम कबूल करो कि तुमने मर्डर किया है। मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं किसी भी इंसान का कत्ल नहीं कर सकती। तुम्हारे पास मोटिव है कत्ल करने का। ये सब क्या गोल गोल घुमाया जा रहे हैं? गोल गोल नहीं घुमा रहे मिस, आपने सोचा होगा कि मेरे हस्बैंड आ गए उनको पता चल जाएगा, उनके पता चलने से पहले आप अपने ससुर को, आपके आपके ससुर के साथ अफेयर नहीं था? हाँ था, मतलब जो भी था, पर उसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनको मार डालूं, मतलब था, मैंने मतलब हुआ, पर मारा क्यों? ये कबूल कर लो कि तुमने ही मारा है, अब मेरे पास प्रूफ भी है, अब स्टोरी बताओ कैसे मारा? मैंने नहीं मारा, मैं किसी भी इंसान को मार नहीं सकती हूँ। आपने अपने ससुर का कत्ल किया है, ये कबूल कीजिए आप। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे, नहीं तो मजबूरन मुझे आप, आपको हवालात में डालना पड़ेगा। मुझे मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आप कबूल कर लीजिए मैं छोड़ दूंगा। मैंने मतलब
मेरे साथ गलत हुआ था, मतलब वो उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। कोई हक नहीं है। मैंने मर्डर नहीं किया इंस्पेक्टर, मैंने मर्डर कभी 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 सोचा भी नहीं। मर्डर तो तुमने ही किया है मिस, और ये तुम्हें कबूल करना भी पड़ेगा, तुमने मर्डर किया है। जी सर, इनकी पूरी फैमिली को, तीनों को लेके आओ मेरे सामने। जी सर। मैंने मर्डर किया सर, ये तुमको पता चल गया है। जी सर। बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या मालूम चला आपको? बैठिए बैठिए बैठिए। आप तीनों में से कोई एक है क्या? आप अपना गुनाह कबूल कर ले, मेरे पास प्रूफ आ गए हैं। तीनों में से एक कौन हो सकता है? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। क्या बात करें सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बॉडी पर गला दबा के और चाकू से गले पे वार किया गया है, और उस पे गले पे उंगलियों के निशान मिले हैं, और वो किसी मर्द के हैं, और तुम्हारे घर में मर्द सिर्फ तुम हो। ऐसा जरूरी थोड़ी ना सर कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, बाहर से भी कोई आया हो। निशान तो किसी और का भी हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट इसके हैं, इसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। अब बेटा अच्छे से तुम कबूल कर लो, गुनाह तो तुमने किया ही है, मेरा भी टाइम बच जाएगा। देखिए सर, कर लोगे गुनाह कबूल तो मुझे भी
आराम मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे फाइल साइल बनाना पड़ता है, प्लीज, इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। वैसे मैं भी फ्री हो जाऊंगा और तुम भी। हाँ, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी सजा कुछ कम करा दूंगा। अब सच सच बताओ, क्या हुआ था, कैसे और तुमने कैसे मारा? देखिए सर, अगर सजा कम करवाते तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपकी सजा कम कराने के लिए। आप अपना गुनाह बताइए। देखिए सर, बात तब की है जब मैं दिल्ली से पिछले हफ्ते घर आया। घर आया तो पता चला कि आस पड़ोस वालों में कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि मेरे पिता की नज़र गंदी है मेरी बीवी के खिलाफ। मुझे यकीन नहीं हुआ सर। फिर मैंने एक दो बार कोशिश किया कि पता करूं कि क्या बात सच है या गलत। फिर मैंने एक दो बार अपनी आंखों से देखा पिताजी को। क्या कर रही हो? भगवान है आपको। माँ उस दिन रात को नींद की दवा ली। जिस दिन गेट बंद कर रहे थे उस दिन एक चाबी मेरे पास थी गेट की। मैंने बाहर से दरवाजा खोला, अंदर गया और अपने पिता की हत्या कर दी। तुम पुलिस के पास भी आ सकते थे, इतना बड़ा गुनाह करने की क्या जरूरत थी? अब सड़ो जेल में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूँ। चलो जेल की हवा खाते हैं। खिलाता हूँ आपको जेल की। अवधान बस कोई जैसा रहा भी नहीं था। गिरफ्तार कर लो। नहीं सर, इसे लेके मत जाइए। कोई बात नहीं माँ, मेरी गलती है, मुझे जाना पड़ेगा। चलो चलो हटिए हटिए। नहीं सर, लेके मत। सारे सवालों माँ को मैं याद आता हूँ। बहुत बड़ा गुनाह कैसे? चलिए चलिए बाद में।